हमारे पास कुन्नूर घूमने के लिए विच इन्वॉल्व्ड हैविंग लंच एज वेल 5 घंटे थे। इसको माइंड में रखते हुए हमने एक ऑटो कर लिया जो हमें सामने दिख रहे इनसर्कल्ड स्पॉट्स ले जाएगा फॉर ₹900। द सेम वुड हैव कॉस्ट जस्ट अबाउट 1500-1600 अगर हम कैब करते। अगर आपको मैप पे मार्क्ड सारे स्पॉट्स कवर करने हैं तो इट विल बी बेस्ट कि आप पूरा एक दिन कुन्नूर के लिए अपने आइटनरी में रख लें। सबसे पहले हम पहुंच गए सिम्स पार्क जो कि रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर ही था। इस पार्क को बनाने वाले मिड 1800 दशक के अर्ली यूरोपियन सेटलर्स थे एंड इसकी इनॉग्रेशन दिसंबर 1874 में करी गई थी ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ मिस्टर जेडी सिम। शुरुआती दौर में तो ये एज अ प्लेजर रिजॉर्ट फॉर रेजिडेंट्स एंड विजिटर्स सर्व करता था, मगर आज की डेट में ये उसके साथ साथ एक बोटैनिकल गार्डन का पर्पस भी सर्व करता है। यहाँ पर कई किस्म के एग्जॉटिक फॉरेन स्पीशीज ऑफ फ्लोरा इंट्रोड्यूस एंड उनके ट्रायल्स करे जाते हैं। दिस पार्क ऑल्सो सर्व्स एज द वेन्यू फॉर द एनुअल वेजिटेबल एंड फ्रूट शो। स्टेट से 2 किलोमीटर दूर ऑन द डॉल्फिन्स नोज रोड पड़ता है द मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट लैम्स रॉक। एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिर्फ इसी पॉइंट तक जाएगा। इसके बाद यहाँ से टिकट लेकर आप लैम्स रॉक एरिया में जो 3 व्यू पॉइंट्स हैं वो देखकर आ सकते हैं, नेमली शूटिंग पॉइंट, सुसाइड पॉइंट एंड एलिफेंट रॉक्स पॉइंट। अगर आप जैन फेब के महीने में ये जगह विजिट कर रहे हैं तो इट्स हाईली प्रोबेबल कि आपको व्यू पॉइंट से, तो देखिए भाई व्यू पॉइंट क्या व्यू आ रहा है ना। Situated just 2.9 km ahead of the Lamb's Rock and 12 km from the Kunnur main city lies the Dolphin's Nose. It can offer you
180 degree of the lush green overlapping Nilgiris, along with unobstructed views of the Kotagiri streams, one of which is the breathtaking view of the St. Catherine Falls, a double cascaded 250 feet high waterfall located in the Kotagiri. It is the second highest waterfall in the entire Nilgiri district. कहते हैं ना, ऐसे खूबसूरत जगहों पर आपको वक्त का अता पता ही नहीं रहता। बिल्कुल सही कहा गया है। बट सिंस हमारे ऑटो ड्राइवर को शॉर्टकट रास्तों का अता पता था, वो हमें कुछ ही देर में वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट इन कुन्नूर पर ले आए। यहाँ हमने फ्राइड इडली, थाली एंड एक एक ग्लास लस्सी पी। सरप्राइजिंगली यहाँ की लस्सी टेस्ट वाइज तो हमें एकदम नॉर्थ इंडिया जैसी लगी। 4:30 बजे हमने कुन्नूर से ऊटी जाने वाली आखिरी ट्रेन पकड़ी, जिससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई है। डू वॉच इट इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ठीक है, और अभी मार्केट की तरफ जा रहा हूँ मैं। घर वाले तो को मैंने उन्हीं से भेज दिया कि भाई तुम आप ऑटो से चले जाओ, मैं मार्केट से चलते हुए आता हूँ। अराउंड 3.5 किलोमीटर है, तो अब मार्केट का दिखाता हूँ थोड़ा बहुत, एंड देन विल रैप इट अप। अपोजिट टू दिस क्लॉक टावर आपको ऊटीज म्यूनिसिपल मार्केट का बोर्ड दिखेगा, विच हैपन्स टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेल मार्केट्स इन इंडिया। यहाँ से आप वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड ग्रॉसरीज खरीद सकते हैं। दिस इज द फेयर लिस्ट, जिससे सारी टैक्सी ऑपरेटर्स अवॉइड करते हैं, एंड आप भी अवेयर रह सकते हैं इफ एवर समवन ट्राइज टू चार्ज यू मोर। Looking at the Charing Cross for the one last time, जो as usual daily की हसल बसल में विलीन था। शाम का वक्त था और घने कोहरे में घुल मिल रखा ऊटी ने थक रखी बॉडी एंड माइंड को बहुत अच्छे मूड में डाल दिया। डिनर के लिए आज हम पहुंच गए होटल वीनस, जिसकी लोकेशन आपको गूगल मैप्स पे आसानी से मिल जाएगी। टू ट्राई देयर चिकन करी इफ यू हैपन टू बी अ नॉन वेजिटेरियन। हमें तो ये बहुत पसंद आया, टेस्ट वाइज, क्वांटिटी वाइज एंड प्राइस वाइज भी। सिंस इट वॉज आर लास्ट नाइट इन ऊटी, हमने सोचा क्यों ना बढ़िया सा डेजर्ट भी ट्राई मार ही लिया जाए। उसके लिए हम वंस अगेन पहुंच गए पैराडाइज होटल, वेयर वी हैड दिस माउथ वाटरिंग डेजर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।